बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर विद पाकिस्तान स्टडीज लेक्चर ग्रेड 9। डियर स्टूडेंट्स, आज हम तालिबे पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। तो आज ये सबक लिखते हैं। नंबर 6 है नुमाइंदगी की शरह का मसला। मशरकी पाकिस्तान की आबादी 56% थे और वो आबादी की कसरत की वजह से नुमाइंदगी का हक चाहते थे। अगर से उन्होंने 1956 और 1962 के आयन में बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी कबूल कर ली थी, मगर उन्हें इनके जायज़ हकूक ना दिए, लिहाजा इनमें मायूसी पैदा हो गई। नंबर 7 है भारत की मदाखलत। भारत की मशर की पाकिस्तान के मामलों में बेजा मदाखलत ने भी हालात को ख़राब किया। भारत ने मुफ्ती बाखनी के कारकुनों को तरबियत देकर दी और अमदाद देने के अलावा अलैदगी चाहने वालों की हौसला अफजाई की। नंबर 8 है शेख मजीबुर रहमान के 6 निकात। अवामी लीग के सदर शेख मजीबुर रहमान के 6 निकात ने भी अलैदगी को फ़रोग दिया। 1970 के आम इंतखाबात ने हालात को एक नई करवट दी और मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग की मुकम्मल कामयाबी के बाद लोगों ने नए अंदाज से सोचना शुरू कर दिया। बांग्लादेश के क्याम के बाद जनरल याह्या खान ने बाकी रह जाने वाले मगरबी पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह सुरफकार अली भट्टो के सपुर कर दी, क्योंकि इस जमात को 1970 के आम इंतबात में मगरबी पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल हुई थी। इस तरह सुरफकार अली भट्टो ने पाकिस्तान की तारीख में पहले सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उहदा संभाला। मुल्का निज़ाम चलाने के लिए एक अबूरी आयन 1972 में बनाया गया और मुस्तकबिल के आयन के लिए नई मुंतखब होने वाली कौमी असम्बली के 25 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई, जिसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई। अजीज तलबा, आज हमने मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब पढ़े हैं। इंशाल्लाह कल हम इस सवाल का जवाब भी लिखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।